आज हम चैप्टर नंबर 3 का अगला टॉपिक पढ़ने लगे हैं, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या होती है और उसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे और उसका पूरा कॉन्सेप्ट एनिमेशन के साथ जो है ना आज मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात आपने अभी से याद रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है, लेकिन हर फोर्स को एफ से जाहिर करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से जाहिर करते हैं, एफ सी। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंबल है, ये आपने याद रखना। अगली बात, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये बीच में आप जानते हैं कि सन है और साइड पर सब प्लैनेट्स हैं, ये आपकी अर्थ है, ये आपका जुपिटर है, तो ये सब सूरज के गिर्द क्यों घूमते हैं? ये भला सीधा इधर भी जा सकते हैं, ये बाहर को भी आ सकते हैं, लेकिन ये सूरज के गिर्द क्यों घूमते हैं, ये कभी आपने सोचा है? अगर आपने कभी ऐसा सोचा और उसका जवाब ढूंढ नहीं पाए, तो आज के लेक्चर में आपको इसका जवाब मिलेगा। या अगर आपने कभी नहीं सोचा, तो मैंने आपके जहन में सवाल पैदा किया और फिर मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा। क्या कभी आपने देखा है कि टायर इस तरह से घूम रहा होता है, तो टायर इस तरह से क्यों घूमता है? इस बात का जवाब भी आपको आज के लेक्चर में मिलेगा। और ये देखें, अगर ये पत्थर आपने बांधा हो और वो इस तरह से आपने धागे के साथ बांधकर आप इसको गोल गोल घुमा रहे हो, तो इस तरह वो क्यों घूमता है? ये घूमने में कौन कौन सी चीजें लगती हैं, क्या क्या फोर्स लगती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, वो क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले स्टडी करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। तो मैंने भी आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करना है एफ सी से, तो जहां भी एफ सी लिखा हो इसका मतलब आपने समझ आना है कि एफ सी का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, तो क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स? पहली बात आपने याद रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नाम होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स ये ऐसी फोर्स है जो सेंटर को ढूंढती है या सेंटर की तरफ को लगती है। तो इट इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। एक बॉडी को सर्कल में घुमाने वाली फोर्स को क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ये ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को किसमें घुमाना चाहती है? सर्कल के अंदर। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पत्थर हो और आपने उसको धागे के साथ बांधा हो और आप उसको इस तरह से घुमा रहे हो। अब ये पत्थर ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, आप इमेजिन करेंगे पत्थर घूमता घूमता इस जगह पर आ गया। अब अगर ये धागा टूटता है तो पत्थर बाहर निकल जाएगा, यानी पत्थर हर लम्हे जब वो सर्कल में घूम रहा है वो सर्कल से बाहर जाना चाहता है, लेकिन क्या वो सर्कल से बाहर जाता है? नहीं, वो तो सर्कल के अंदर घूमता रहता है। यानी इसको सर्कल में घुमाने के लिए, सर्कल में पकड़ के रखने के लिए एक फोर्स चाहिए। तो वो जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर अभी मैं आपको एनिमेशन के साथ समझाता हूँ कि क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स जी। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है इस सर्कल के गिर्द, इस पॉइंट के गिर्द, इस सर्कुलर पाथ के अंदर। तो यहां पर इसको पकड़ के रखने वाली एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रही है। तो ये जो फोर्स लगती है ना, इस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? ये वो फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कल में घुमाती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आप मान लें कि चांद है, यानी मून है, और चांद घूम रहा है जमीन के गिर्द। आप जानते हैं चांद इस तरह से जमीन के गिर्द घूमता है। तो यहाँ पर इस चांद से बिल्कुल सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है जिसको एफ सी कहते हैं, और एफ सी मैंने भी आपको बताया कि एफ सी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो चांद को जमीन के गिर्द घुमा रही है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाती तो चांद यहाँ से बाहर निकल जाता और दूर कहीं स्पेस में गुम हो जाता। चलिए अगली बात हमारे पास है कि डायरेक्शन कहाँ को होती है डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की, या सेंट्रीपिटल फोर्स किधर को होती है? तो आपने याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है, यानी जहां को सेंटर होता है सर्कल का उधर को होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपके पास एक बॉल गोल गोल घूम रही है, और जब भी कोई चीज गोल गोल घूम रही होती है इसका मतलब यहाँ पर मौजूद है कौन सी फोर्स? यहाँ पर मौजूद है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ है वो हमेशा किस तरफ को लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर। एरो देख लें तो ये फोर्स हमेशा लगती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये बात आपने याद रखनी है। क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी घूमती हुई बॉडी को सर्कल के अंदर रखती है, और ये हमेशा किस तरफ को होती है? ये हमेशा सेंटर की तरफ होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ। अब हम डेरिवेशन करेंगे इसकी। अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करना है एफ सी से। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, डेरिवेशन इसकी थोड़ी सी वाजफट लगती है, जरा तवज्जो दीजिएगा बेटा, जरा तवज्जो दीजिएगा। मैं ना आपको लास्ट वाली कुछ डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में, तो यहाँ पर बॉडी का एक्सेलरेशन है, ये ग्रीन वाला एरो अगर आप देख रहे हैं, ये दूसरी डायग्राम है इस वाली में, तो यहाँ पर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। तो अगर सर्कल में फोर्स हो तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और अगर एक्सेलरेशन हो तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
तो सबसे पहले मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सबसे पहले मैं ढूंढने लगा, और आपको अभी पता चला एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं और सेंट्रीपिटल है तो छोटा सा सी। अच्छा इसका फॉर्मूला याद रखना है आपने, वो होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अच्छा अब कुछ बच्चों का मसला होता है कि ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला कैसे पता चला। तो आप फर्स्ट ईयर जब पढ़ेंगे ना उसमें चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको ये पता चलेगा। अभी आपको सिर्फ इसको याद रखना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन कि ये वी स्क्वायर ओवर आर कैसे बना, ये आपको फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में मिलेगी। बहरहाल अभी हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपने बस याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पर v वेलोसिटी है और r क्या है रेडियस। मिसाल के तौर पर अगर आपकी बॉडी, ये एक बॉडी थी, बॉडी का मास m था और बॉडी इस तरह से एक सर्कल में घूम रही थी, ये सर्कल का सेंटर था, तो आप जानते हैं कि सेंटर से दीवार तक के फासले को रेडियस बोलते हैं और जिस स्पीड से ये जा रही होगी उस स्पीड को क्या बोलेंगे v। ठीक है जी। अच्छा अब आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो आप यहाँ पर पहली बात यही लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के दूसरे लॉ के मुताबिक आप पढ़ चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए। अब क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो एफ बी सी वाला यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और ए बी सी वाली, और ए सी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो अभी मैंने ऊपर डिराइव करके दिया आपको, ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर दें, तो एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वी स्क्वायर ओवर आर, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एफ सी इज इक्वल टू बनेगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये आपके पास किसका फार्मूला बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप इस फार्मूले में देखें, ये इधर देखें जरा, तो एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहां पर देखें नीचे आर है, यानी अगर आर की वैल्यू ज्यादा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कम। बात समझ में आ रही है, यानी आप जितना दूर जाते जाएंगे आपके ऊपर फोर्स उतनी क्या होती जाएगी कम, आप जितना दूर जाते जाएंगे आपका फासला जितना बढ़ता जाएगा उतनी आपके ऊपर फोर्स लगनी क्या होती जाएगी कम। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर हैं तो फोर्स एफ लग रही है, और अगर आप डबल फासले पर चले जाएं तो फोर्स भी आधी हो जाएगी, यानी यहाँ पर आपकी जो फोर्स है यहाँ तक वो एफ बाय टू हो चुकी होगी, यानी आधी हो चुकी होगी। तो ये आपकी मैथमेटिकल डेरिवेशन थी, लॉन्ग में एज इट इज आप इसको लिख देंगे। इसका एसआई यूनिट क्या है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि एस सेंट्रीपिटल फोर्स, हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स, हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स असल में एक फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, सो इट्स एस आई यूनिट इज न्यूटन। तो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है इसलिए इसका एस आई यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये बात आपने याद रखनी है, जरा तवज्जो दीजिएगा, इसको प्रूव भी करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिया, एम वी स्क्वायर ओवर आर, एफ सी इज इक्वल टू मैस का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन गौर करें तो वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर होता है मीटर, एफ सी इज इक्वल टू किलोग्राम, इधर देखें मीटर का स्क्वायर है और एस की पावर माइनस वन का भी स्क्वायर है, तो मीटर का स्क्वायर आएगा एम का स्क्वायर, एस की पावर माइनस वन का स्क्वायर आता है माइनस टू, देखो एक्स की पावर माइनस वन हो और उसका स्क्वायर हो तो माइनस वन टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू आएगा, सेम मैंने यहां पर किया और डिवाइडेड बाय एम। अच्छा एक एम इस एक एम से मर गया तो ये आपके पास बनेगा किलोग्राम, इधर मीटर क्योंकि स्क्वायर तो नीचे वाले एम से मर गया और एस की पावर माइनस टू, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो न्यूटन के बराबर था, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के अंदर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ से जो यूनिट बनता है वो क्या बनता है, न्यूटन। इसलिए हमारी ये वाली बात सच्ची है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। चलो आगे चलते हैं, मिसाल अब ना मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी खुद नहीं आती, सेंट्रीपिटल फोर्स को लाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कोई ऐसी चीज चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। तो अगर आप इधर देखें तो जो रोड पे गाड़ी मूव कर रही है स्टार्ट वाली एनिमेशन में, अगर आप देखें तो जो रोड में गाड़ी मूव कर रही थी अभी आएगी, तो ये जो रोड में गाड़ी मूव कर रही है ये वाली, तो आप देख सकते हैं कि जो रोड है और कार है उसके दरमियान होती है फ्रिक्शन, और अगर गाड़ी गोल गोल घूम रही है तो
तो सेंट्रीपिटल फोर्स धागे की मदद से नहीं आएगी, बल्कि किसकी मदद से आएगी, फ्रिक्शन की मदद से आएगी। इसी तरह अगर आप प्लैनेट्स की बात करें तो ये सन है और सन के गिर्द घूम रही है आपकी अर्थ, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रही है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही थी ग्रेविटी से। और अगर आपने धागा बांधा हुआ है, यहाँ पर देखें ग्रेविटी से आ रही है, और अगर आपने धागा बांधा हुआ है तो धागे में खिंचाव आता है, जब आप उसके साथ पत्थर बांध के घुमाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, टेंशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी खुद नहीं आती, उसके आने के लिए कोई दूसरी फोर्स चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन असल में सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, आप धागे के साथ बांध के घुमा रहे हैं तो टेंशन असल में सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और अगर आप अर्थ को घुमा रहे हैं सन के गिरते तो असल में ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक था, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आगे इसकी एप्लीकेशन है। अगर हम एप्लीकेशन पढ़ लें तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।